के साथ साथ प्रेम पूर्ण नमस्कार किसान साथ। मैं आपसे बात करूं, आप अपने पशु को ऐसा कौन सा दाना मिश्रण खिलाएं जिससे आपके पशु का दूध बढ़ जाए। तो किसान साथ आपको याद रखना, अगर आपके पशु ताजी भी आई हुई है उसमें आपको दो चीज नहीं देना। वो क्या चीज है मैं आपको बात बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे हाथ आप देख सकते हो, मेरे पास जो पशु है वो दोनों गाभिन यानी दोनों पशु बच्चा दे रखी है। हमें उसको क्या क्या चीज देना चाहिए जिससे हमारी गाय भैंस का दूध बढ़ जाए, और कैसे देना है पूरी डिटेल्स में वीडियो में बताऊंगा। तो एक साथी ने कमेंट्स किया, सर आपने पशु को मिनरल्स मिक्सर कैसे खिलाए, उनका भी मैं जवाब इसी वीडियो में दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथ अगर आप इस चैनल पहले विजिट कर रहे हो, प्यारा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर कर ले। तो सबसे पहले जी नजदीक आए आप, तो किसान साथ आप देख सकते हैं ये हमारे पास चोकर है, ये वही चोकर है जो गेहूं का चोकर आपको देखने को मिल जाता है। किसान साथियों ये मक्के का दलिया आपको देखने को मिल, जो कि मक्के का दलिया आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारे पास मसूर की दाल होती है किसान साथियों, ये मसूर का दाल है किसान साथियों। ये आपको अजवाइन का पाउडर देखने को मिल जाए, अजवाइन का पाउडर है। ये हमारे पास मीठा सोडा हो गया किसान साथियों, मीठा सोडा आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारे पास मिनरल्स मिक्सचर विटामिन है। ये हमारे पास नमक है, घर का नमक, इसमें अभी खल हम लोग ऐड नहीं किए किसान साथियों। देखिए किसान साथियों आपको बहुत सारे कमेंट्स आए थे मिनरल्स मिक्सचर के रिगार्डिंग, तो मिनरल्स मिक्सचर को आराम से चोकर में ऐसे मिक्स कर लें और आप अपनी पशु को खिला सकते हैं, किसी पशु को किसान साथियों। देखिए मैं आपको बताता हूँ मिनरल्स मिक्सचर जो आप ऐसे अपने से मिक्स कर लेते हो और अपने पशु को कैसे भी करके अगर आप ऐसे दोगे तो आपके पशु मिनरल्स मिक्सचर आराम से खा लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी किसान साथियों। तो मैं आपको ये खाई हुई है, बैठी हुई रिलैक्स में, इसलिए थोड़ा सा ये नहीं खा रही है। अब बात करते हैं किसान साथियों, देखिए अब हम बात करते हैं इससे हमें दूध कैसे बढ़ेगा। मक्के का दल जो हमारे पास दलिया होता है, मक्के का दलिया है और ये दाल है, दोनों को मिक्स कर ले आप अच्छे से, आपको उसको पकाना है। अगर आपकी पशु 10 लीटर दूध दे रही है तो उसको आप 2.5 किलो अनाज आपको पका ले, यानी कि कम से कम आधे किलो कम से कम मात्रा दलिया का जरूर रखें इसमें, चाहे आपके पास कोई सा दलिया। मैं स्पेशल मसूर का दाल ही यूज करता हूँ क्योंकि इससे पशु का दूध बढ़ जाता है किसान साथियों। तो अभी इसमें आपको खल नहीं देना है क्योंकि आपको पता हो किसान साथियों कि जब भी हम खल देते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा खल में गर्मी होती है, जो सरसों की खल है यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। हमारे यहाँ तिल की तो खल मिलती नहीं है, बिनौली खल आती भी तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन सरसों का खल भारी मात्रा में हमारे पास मिलते हैं। तो आप सरसों की खल जो कम से कम 10 दिन तक ना दे, अगर आपके पशु बच्चा दे चुकी है तो 10 दिन तक ना दे सरसों की खल। सरसों की खल अगर आप दे तो बहुत ज्यादा उसकी तासीर गर्म होती है किसान साथियों। एक तो पशु बहुत स्ट्रेस में था, उसके बाद हम उसको दूध बढ़ाने के लिए तुरंत ही खल अगर दे देते हैं तो पशु को बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो इन दोनों का आप दलिया आराम से बना लें, गेहूं का और इसमें आप दलिया डाल सॉरी मक्के का दलिया और इसमें दाल का दलिया मिक्स कर लें। इसमें आप अजवाइन नमक और इसको मीठा सोडा डाल के अच्छे से पका लें। पकाने के बाद आप अपने पशु को खिला दें, भूसे मिक्स कर खिलाएं, हरे चारे मिक्स करके खिलाएं इसके अंदर। लेकिन अभी आपको सरसों का तेल मिक्स नहीं करें क्योंकि बारिश का मौसम है, अगर आप सरसों का तेल मिक्स करते हो स्पीड में तो बहुत ही नुकसानदायक आपके लिए हो सकता है किसान साथियों। तो इसलिए सरसों का तेल है मिक्स नहीं करना। इसमें आपको क्या करना है, दलिया बहुत करोगे तो आप मीठा जो होता है जिसको हम गुड़ बोलते हैं, रावा गुड़ बोलते हैं, आप 100 ग्राम की मात्रा में गुड़ डाल दें, 20-25 ग्राम आप हल्दी भी डाल सकते हो, जैसा कि मैं इसको डालता हूँ हल्दी वगैरह में डाल के ही बनाता हूँ। जब ऐसा हो जाए तो आधी किलो की मात्रा, जब आपके पशु अच्छे से तरीके से खा पी ले उसके बाद आपको क्या करना है, चोकर आधा किलो चोकर आप ले लें, आराम से चोकर इसी को इस तरह खिला दें, यानी कि बिना कुछ मिलाए आराम से चोकर ऐसे लें, आप ऐसे लाद में इसको छीट दें, ऐसा लाद में इसको छीट दोगे तो आपके पशु इसको आराम से खा लेगी किसान से। तो लाद में इसको छीट देना, इससे क्या होगा आपके पशु का जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है, जो आपके पशु का मान लीजिए हेल्थ की जो बॉडी वेट होता है वो आपका बढ़ेगा। चोकर क्या करता है, आपके पशु को डाइजेस्टिंग सिस्टम को बरकरार रखता है और आपको पशु का बॉडी वेट बढ़ाता है। मसूर की दाल और आपके पास जो गेहूं का मक्का का दलिया दोनों आप बनाते हो, इससे आपके पशु का भरपूर मात्रा में दूध बढ़ जाता है किसान साथियों, आपको अच्छा खासा दूध बढ़ने को मिल जाएगा। क्योंकि किसान साथियों देखिए इसमें आपको क्या है, भरपूर मात्रा में फाइबर मिल जाता है किसान साथियों, और जो हमारे पास इसमें बसहा वगैरह जो हमारे पास मक्के में बसहा पाया जाता है, दाल में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, आप दाल में प्रोटीन जब हमें बसहा जब मिलता है तो हमारे पशु के लिए बहुत ही लाभकारी होता है किसान साथियों। आप कोशिश करें आप अपने पशु को हर हमेशा इस तरह का फीड आप खिलाया करें। तो किसान साथियों आप देख सकते हो किस तरीके से हमारी गाय खाने के लिए तैयार है, तो इनको क्या क्या हमें देना चीज है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो किसान साथियों देखिए जब भी आप इस दलिये को तैयार करें, कोशिश करें कि आप इसके अंदर जो मसूर की दाल है, मक्का है, गेहूं है, इसके अंदर आप जब एक मिक्स करते हो और आप अपने पशु खिलाओ, देख सकते हो मेरी पशु कितनी चाव से उसको खा रही है। तो कैसा तो देखिए आप मिनरल्स मिक्सचर जो विटामिन आप पहले चोकर ले ले, चोकर के अंदर आपको मिक्स करके आप अपने पशु को पहले वो खिला दिया करें किसान साथियों। इससे क्या हुआ आपकी जो गाय और भैंस है उस मिनरल्स मिक्सचर को खा लेगी और मिनरल्स मिक्सचर आपका कभी बर्बाद नहीं हो, क्योंकि मिनरल्स मिक्सचर थोड़ा सा महंगा आता है, हर कोई किसान जानता है मिनरल्स मिक्सचर विटामिन थोड़ा महंगा आता है।
अब देखिए किसान साथियों, देने का जो तरीका है, आप क्या करें, आप अपने दलिया को तैयार करने के लिए आप मसूर की दाल जो है आपके पास, जो मक्के का है और जो आपके पास दाल की जो दलिया है, उस दलिया को अच्छे से आप पका लें। किसान साथियों, आपको एक चीज याद रखना है, हर हमेशा मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आपकी गाय बच्चे को जन्म दे उसके ठीक 5 से 10 दिन तक कम से कम आपको जो सरसों की खल है नहीं देना है। किसान साथियों, मैं इसलिए सरसों की खल इसके अंदर ऐड नहीं किया हूँ। आप हो सके तो इसके अंदर हल्दी जरूर दे दिया करें, गुड़ दे दिया करें, ये सब चीज अच्छी चीज है। अजवाइन वगैरह जो मैंने आपको बताया, आप इस चीज का यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। और देख सकते हो मेरी गाय कितनी चाव से खाने के लिए तैयार है किसान से, तो आप इस चीज आप अपने देख सकते हो स्क्रीन पे। तो जो मैं चोकर के साथ ऐड करके देता हूँ अपने पशु को, इससे क्या होता है कि आपकी पशु बहुत ही आराम से बहुत सुपाच से खाती है, कहीं कोई तरह का दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैसे दोनों पशु धन आप मेरे सामने देख सकते हो, और जो मैंने आपको बताया था 2-3 मेरे पशु जो है वो डेरे पे रहती है, मैं वो भी बता दिया हूँ आपको। सतत अभी मैं अपने फार्म को बना रहा हूँ किसान साथियों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए कितने अच्छे तरीके से कितने आराम से खा रही है, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है किसान साथियों। तो आप इस तरीके से प्रॉपर या तो इसको पानी में भिगो के खिला सकते हो, या फिर आप इसको बना कोशिश करें, जब आपकी गाय को बच्चे को जन्म दे रखे किसान साथियों, तो उस समय आपको इस दलिया को बना के और अच्छे से मिक्स करके आप अपने गाय और भैंस को जरूर दिया करें किसान साथियों। तो अगर बनाकर आप दोगे इसको, अच्छे से बना के दोगे तो बढ़िया बात है, दलिया बना के दो, या फिर अगर आप पानी में भिगो के देने की सोच रहे हो तो कम से कम 10-15 दिन तक पानी में इसको आपको नहीं भिगोना है किसान साथियों। आपको नॉर्मली इसको 10 दिन तक कम से कम इसको बॉयल करके अच्छे से पका के इस दलिये को आपको देना चाहिए किसान साथियों, ताकि आपकी जो गाय और भैंस है अच्छे से खा सके और चाव से खा सके। तो दोनों मेरी गाय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो किसान साथियों, जिसके पास मैं खड़ा हूँ ये दोनों गाय मेरी देख सकते हो। इन दोनों को आप अच्छा अगर डाइट प्लान देते हो, अगर आप इस तरीके से प्रॉपर आप डाइटिंग प्लान देते हो, तो इससे आपको क्या है, गाय और भैंस का दूध बढ़ जाता है किसान साथ, और आपकी पशु एक अच्छा मिल्क देने देती है दोस्तों। इससे हमारी गाय और भैंस को बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। साथ में देखिए किसान साथ, जो मिनरल्स मिक्सचर विटामिन है मैं ऐड करता हूँ और मैं सब बोलता हूँ वीडियो में, आप अपने पशु को मिनरल्स मिक्सचर विटामिन जरूर दिया करें। साथ साथ किसान साथियों, देखिए आप अपने पशु को 10 से 15 दिन अगर बच्चा दे हो जाता है, कोशिश करें आप अपने पशु का डी वार्मिंग जरूर आप अपने पशु करवा लें। डी वार्मिंग अगर आप अपने पशु करवा के लीवर टॉनिक देते हो और एक चोकर वगैरह देते हो, तो बढ़िया से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा किसान साथ, और आपको बेहतरीन रिजल्ट के लिए और अच्छा दूध बढ़ता है। और आप अपने पशु को जब भी आप इस फॉर्मूले को देते हो, तो आपके पशु को शरीर में भी लगता है और आपके पशु दूध भी बढ़ाते हैं किसान साथियों, इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलता है किसान साथियों। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, प्यारा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर कर ले। इस चैनल के माध्यम से आपको पशुपालन के हर एक जानकारी आप मिलती और मिलती रहेगी किसान साथियों। इन वीडियो को उन पशुपालक भाई तक जरूर शेयर कर दें जिनकी गाय कम दूध दे रही है, जिनकी भैंस कम दूध, उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो ये फीड फॉर्मूला आपको कैसा लगा कॉमेंट्स बॉक्स जरूर बताएं। 10 दिन के बाद इस फॉर्मूले को चेंज करना होता है किसान साथियों, मैं आपको बात बताऊँ और क्या क्या इसमें चेंज करना होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँ और हमें क्या क्या चीज़ इसके अंदर चेंज करना चाहिए और क्या क्या फॉर्मूला और इसके अंदर हमें देना चाहिए किसान साथियों, तो ये बात मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो का इसलिए कमेंट जरूर बताएं, अगर आप इस चैनल पहले भी प्यास लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर ले किसान साथियों। इस फॉर्मूले को देने का बहुत ही आसान तरीका है, इससे आपकी गाय भैंस का दूध बढ़ जाएगा। अगर आप मेरी एक गाय को देखो किसान साथियों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये गाय मेरी लगभग 100 लीटर दूध देती है और एक गाय मेरी लगभग 20 लीटर के आसपास दूध देती है किसान साथियों। एक तो साहिवाल क्रॉस में और एक ग्रेट सिंधी फ्रिजियन आपको क्रॉस देखने को मिल जाती है किसान साथियों, आप अपने स्क्रीन पे इसको देख सकते हो। तो ये दो पशुधन जो कि मेरे घर पे रहती है और बाकी जो 3 पशुधन है वो डेरे पे है, मैं उसके बारे में आपको वीडियो में बता ही रखा हूँ मैं उनको क्या क्या देता हूँ। वीडियो कैसे लिए कॉमेंट जरूर बताएं, अगर आप इसे पहले भी तो प्यास लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, तब तक आप मुझे आगे दें। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे जी।